मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम गड़ौला खांडे। हाल ही में हमने फुटेरा के पास एक गांव है घुराटा, वहां पर शासकीय नवीन माध्यमिक एकीकृत शाला का दौरा किया। मेरे विचार से ये जो सरकारी स्कूल के नाम हैं ये थोड़े से कठिन हैं, और जैसे प्राइवेट स्कूल्स के नाम होते हैं एक्सीलेंस स्कूल या संस्कार स्कूल या दून स्कूल, तो छोटे नाम और रोचक नाम और आसानी से उच्चारण करने वाले नाम हो तो बेहतर होगा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो इस स्कूल में दौरा करने के लिए हमारे साथ शैलजा कनौजिया, जो कि दिल्ली से आए हैं और मैक्स मुलर भवन में काम करते हैं, वो भी हमारे साथ थे। इस स्कूल के प्राचार्य श्री गिरधारी सिंह जी 2017 से इस स्कूल में हैं, और आपके लगन और आपकी मेहनत के कारण और आपके मार्गदर्शन के कारण स्कूल के बच्चों की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। इस स्कूल में 232 बच्चे पढ़ते हैं क्लास पहली से लेकर क्लास आठवीं तक। तो चलिए देखते हैं शासकीय नवीन माध्यमिक एकीकृत शाला घुराटा में हमारी स्टाफ और बच्चों के साथ मुलाकात कैसी रही। मैं आपके गांव के बारे में सुना है घुराटा, आप सबसे मिलना था मेरे को, तो मैं आज आया, मैंने कहा कि आप सब लोगों से मिलते हैं, अच्छा लग रहा आप सुबह सुबह आप जब किसी को पहली बार मिलते हो क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आपको बहुत सारा गुड मॉर्निंग। अभी तो मॉर्निंग तो खत्म होने वाला है, अभी दोपहर शुरू हो गया है। गुड आफ्टरनून बोलो। और मैंने बेटा पूरा हिंदुस्तान में सारे शहर देख लिया मैंने, जितने बड़े बड़े शहर है ना, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और बाकी बैंगलोर, जो भी शहर आपने सुने मैंने सारे शहर देखे। और मैंने गोली चलाई है, मैंने घुड़सवारी की है, फुटबॉल खेला, हैंडबॉल, और हवाई जहाज में सफर किया है, ट्रेन में सफर किया है, बैलगाड़ी में सफर किया है। टेड़ाम से मैं गाँव बैलगाड़ी में जाता था। तो आपको कोई भी सवाल पूछना है मेरे से पूछ सकते हो, कोई पूछना चाहता है कोई सवाल? आप लोग नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा आपसे। मेरे को सेना में सिखाएगा कि दुश्मन, इससे पहले कि दुश्मन हमला करते आप पहले हमला कर दो। आपके सामने बैठा हूं मैं, अभी मुझ पर हमला करो, नहीं तो मैं। सैन्य स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाओगे तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। वहां पढ़ोगे तो आपको वहां अच्छा खाना पीना मिलेगा, वहां पर भी आप घुड़सवारी कर सकते हो, आप तैरना सीख सकते हो, और आपका वहां पे जो एक बोल क्या बोलते हैं उसी प्रतियोगिता को जिसमें हम ये बोलने का वो कंपटीशन होता है, डिबेट कंपटीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाद विवाद। तो वाद विवाद की उसमें प्रतियोगिता होती है, और आपको अच्छे से खाने मिलता है, आपको घूमने मिलेगा, ठीक है ना? तो आप बताओ क्या क्या सवाल आपके मन में। बीच में मुझे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, और इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी आप जैसे ही था, मैं गांव में आता था दो दो महीने गांव में, और कबड्डी खेलता था बच्चों के साथ, खूब मस्ती करता था, और सितोलिया खेलता था, और एक आप और खेल है वो, ये हम जो उससे खेलते हैं ना, गुल्ली डंडा। मेरे हाथ से समझ गया तुम्हें गुल्ली डंडा। तो गुल्ली डंडा मेरे को बहुत अच्छा लगता था, और मैं तो मारते थे ना गुल्ली से, आप उसमें मारते हो क्या? वो कौन सा खेल है? चिरंगा। नहीं, चिरंगा भी खेला मैं, चौपड़ खेली है मैंने, ठीक है ना? पर मैं टाइम मिलता था पढ़ाई खूब करता, पढ़ाई में हमेशा एक नंबर पे आता था। फिर मैं सरस्वती गया, वहां भी एक नंबर पे पढ़ाई में आता था। और मेरे जब भी मैं हमारे घर में कोई मंदिर में छोटे से स्कूल में, जैसे आपका स्कूल है ना, आपका तो बहुत अच्छा स्कूल है वहां तो, और मेरा स्कूल तो बहुत ही छोटा था, उसमें तो सिर्फ 12 बच्चे पढ़ते थे। फिर मेरा परीक्षा, मैंने सैनिक स्कूल की परीक्षा दी, फिर मेरा रीवा में सिलेक्शन हो गया, और रीवा में सिलेक्शन हुआ। आप लोगों का हो सकता है रीवा में सिलेक्शन। रीवा में 7 साल पढ़ा, और मैं रीवा में जब 1 साल पढ़ा 6 महीना, तो मैं रोता था फूट फूट के, क्योंकि हमारे मम्मी पापा उज्जैन, मैं गांव रीवा, तो मैं मेरे को मम्मी पिताजी याद आती थी, मैं रोता था, और मैं चिट्ठी लिख के, आंसू में चिट्ठी लिख लिख के लिखता था कि मेरे को बुला लो, वापस बुला लो, मैं छोड़ के आ रहा हूँ स्कूल, वहाँ के आ जाऊँ। तो फिर मेरे चाचा जी आए मेरे को वहाँ स्कूल में, और मेरे को समझा के गए कि बेटा तुम वापस आओगे तो तुम क्या करोगे वापस आके। तो अब बैठिए यहाँ पे। तो मैं वहां पे पढ़ता रहा, 5-6 साल वहां पढ़ाई किया, फिर मेरा सेना में मेरा चयन हो गया, भारतीय सेना। 16.5 साल का था मैं जब मेरा सेना में चयन हुआ, 4 साल मैंने प्रशिक्षण किया,
अभी मैं आपको बताने जाता हूँ, भोला बोल। अच्छा ठीक ठीक है, अभी एक हमारा लड़का है सेना में भर्ती हुआ है, कल रात को उसका फोन आया, उसका रिजल्ट निकला कल रात, मेरे को 12 बजे फोन करके उठाया कि वो भोला का सिलेक्शन हो गया। थोड़ा बहुत अंग्रेजी के शब्द समझते हो, सिलेक्शन मतलब समझते हो, सिलेक्शन चयन हो गया, सिलेक्शन मतलब चयन करता है, ठीक है ना। अर्जुन की कहानी मालूम है ना, हाँ अर्जुन कहाँ कहाँ दिख रहा था, मछली की आंख के अलावा कहीं दिख रहा था, कहाँ दिख रहा था, कहाँ दिख रहा था अर्जुन, मछली की आंख पे दिख रहा था। तो आपने अर्जुन की तरह रहा ना बेटा, आप एक बार जब आप कक्षा में आ गए, स्कूल में आ गए, तो अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे आपके संस्कार होने चाहिए, आपके जो गुरु हैं मैडम है सर हैं उनकी इज्जत करना है, पांव छूना है उनके, जो बोलते हैं उनकी बातें सुनना है, ध्यान से सुनना है क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। अपना स्कूल को साफ रखना है। मैं जापान में देखा है, मैंने जापान में शुरू के 2 घंटा जो बच्चे आते हैं, पहले सारे बच्चे सब पहले स्कूल को सफाई करते हैं, जापान में छोटे छोटे बच्चे आते हैं पहले पूरा स्कूल साफ रखते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम जहां भी जाते हैं अपना अपने जहां भी रहते हैं उनको साफ से साफ सुथरा रखना है, ठीक है ना। और पढ़ाई अच्छी करना है, अच्छा खेल कूद करो, खूब मस्ती करो बेटा, आप लोगों का मस्ती करने के दिन है, पर खेल कूद ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। और आपको मैं विशेष कर बोलूंगा क्रिकेट से दूर रहना है, क्रिकेट नहीं खेलने हैं, 5-5, 6-6 घंटे का खेल के पास आप हमारे पास समय नहीं है। अंग्रेज है ना जो जिनके पास पैसा रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो उनके बच्चे खेल सकते हैं क्रिकेट, उनको नौकरी की चिंता नहीं है, तो वो आते हैं अपना कार में आते हैं क्रिकेट खेलते हैं और चले जाते हैं। आप लोगों के पास क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं है, खेल कोई ऐसा खेलो, खो खो खेलो, दौड़ लो और बाकी छोटे मोटे खेल खेल लो, फुटबॉल है, अब फुटबॉल आप खेलने के लिए साधन नहीं होगा, पर हम साधन करेंगे बेटा, हैंडबॉल है जैसे, ऐसा खेल खेलो कि आधे घंटे के अंदर पूरा शरीर पसीने में नहा जाए आपका, वो खेल है। अगर खेल में पसीना नहीं आ रहा तो खेल नहीं है, वो राजनीति है वो, ठीक है, समय बर्बादी। तो इसलिए अपना शरीर में जब तक पसीना नहीं आएगा, अगर आप लोग पसीना नहीं आएगा तो फिर कैसे आप लोग आपका शरीर बढ़ेगा। मैं 60 साल मेरी उम्र है, कल मैं खेला था, फुटेरा के बच्चे आए थे हमारे यहाँ गाँव में खेलने के लिए, पसीना पसीना हो गया था मैं कल, ठीक है ना। तो पसीना आना बहुत जरूरी है, और उसके बाद साफ सुथरा रहना आप, और पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ना है दिमाग में, आप सोते हो सोने के पहले आपके दिमाग में घूमना चाहिए, अरे क्या आज जैसे आप सो गए आज तो सोचना कि मेरे को सर क्या बोल के गए फौज के बारे में, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए, कौन से शब्द मेरे को समझ में नहीं आया, हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी करो आप लोग, सिलेक्शन चयन नाइट रात डे दिन, इस टाइप का अपने दिमाग में आपकी लाइट ऑन ऑफ होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा आपको दिमाग को आप अपना विकसित करके और उसका अभ्यास करके सोओगे ना, तो आपका सपने में भी आपका दिमाग घूमता रहेगा, सपने में भी आपकी क्या होता है आपकी नोटबुक खुलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो यही आपको बोलूंगा। अभी हमारे बीच में है शैलजा मैडम, शैलजा मैडम दिल्ली में नौकरी करते हैं, और ठीक है ना। अर्जुन की कहानी मालूम है ना, हाँ अर्जुन कहाँ कहाँ दिख रहा था, मछली की आंख के अलावा कहीं दिख रहा था, कहाँ दिख रहा था, कहाँ दिख रहा था अर्जुन, मछली की आंख पे दिख रहा था। तो आपने अर्जुन की तरह रहा ना बेटा, आप एक बार जब आप कक्षा में आ गए, स्कूल में आ गए, तो अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे आपके संस्कार होने चाहिए, आपके जो गुरु हैं मैडम है सर हैं उनकी इज्जत करना है, पांव छूना है उनके, जो बोलते हैं उनकी बातें सुनना है, ध्यान से सुनना है क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। अपना स्कूल को साफ रखना है। मैं जापान में देखा है, मैंने जापान में शुरू के 2 घंटा जो बच्चे आते हैं, पहले सारे बच्चे सब पहले स्कूल सफाई करते हैं, जापान में छोटे छोटे बच्चे आते हैं पहले पूरा स्कूल साफ रखते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम जहां भी जाते हैं अपना अपने जहां भी रहते हैं उनको साफ से साफ सुथरा रखना है, ठीक है ना। और पढ़ाई अच्छी करना है, अच्छा खेल कूद करो, खूब मस्ती करो बेटा, आप लोगों का मस्ती करने के दिन है, पर खेल कूद ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। और आपको मैं विशेष कर बोलूंगा क्रिकेट से दूर रहना है, क्रिकेट नहीं खेलने हैं, 5-5, 6-6 घंटे का खेल के पास आप हमारे पास समय नहीं है। अंग्रेज है ना जो जिनके पास पैसा रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो उनके बच्चे खेल सकते हैं क्रिकेट,
उनको नौकरी की चिंता नहीं है, तो वो आते हैं अपना कार में आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और चले जाते हैं। आप लोगों के पास क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं है, खेल कोई ऐसा खेलो, खो खो खेलो, दौड़ लो और बाकी छोटे मोटे खेल खेल लो, फुटबॉल है। अब फुटबॉल आप खेलने के लिए साधन नहीं होगा, पर हम साधन करेंगे बेटा, हैंडबॉल है जैसे, ऐसा खेल खेलो कि आधे घंटे के अंदर पूरा शरीर पसीने में नहा जाए आपका, वो खेल है। अगर खेल में पसीना नहीं आ रहा तो खेल नहीं है, वो राजनीति है वो, ठीक है, समय बर्बादी। तो इसलिए अपना शरीर में जब तक पसीना नहीं आएगा, अगर आप लोग पसीना नहीं आएगा तो फिर कैसे आप लोग आपका शरीर बढ़ेगा। मैं 60 साल मेरी उम्र है, कल मैं खेला था, फुटेरा के बच्चे आए थे हमारे यहाँ गाँव में खेलने के लिए, पसीना पसीना हो गया था मैं कल, ठीक है ना। तो पसीना आना बहुत जरूरी है, और उसके बाद साफ सुथरा रहना आप, और पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ना है दिमाग में। आप सोते हो, सोने के पहले आपके दिमाग में घूमना चाहिए, अरे क्या आज जैसे आप सो गए, आपसे सोचना कि मेरे को सर क्या बोल के गए फौज के बारे में, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए, कौन से शब्द मेरे को समझ नहीं आया, हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी करो आप लोग, सिलेक्शन चयन, नाइट रात डे दिन, इस टाइप का अपने दिमाग में आपकी लाइट ऑन ऑफ होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा आपको दिमाग को आप अपना विकसित करके और उसका अभ्यास करके सोओगे ना, तो आपका सपने में भी आपका दिमाग घूमता रहेगा, सपने में भी आपकी क्या होता है, आपकी नोटबुक खुलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो यही आपको बोलूंगा। अभी हमारे बीच में है शैलजा मैडम, शैलजा मैडम दिल्ली से, दिल्ली में नौकरी करते हैं, और वहां पर, और मैडम को बड़ा मन में था कि हम आप बच्चों से मिलें, तो अभी मैडम आपके सामने है, अभी आपने तो मैडम हम पे तो हमला करो नहीं है, अब मैडम पे मारो हमला, पूछो सवाल मैडम से, ठीक है। अभी आपने मैडम आपसे बात की, इससे पहले आप लोग मेरे पूछो, पहले मैं आपसे इस बार बोलती हूँ, ठीक है। जैसे कि विजय साहब ने बताया, मेरा नाम शैलजा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, और मुझे आज इतना सौभाग्य मिला है आप लोगों से मिलने का, ये मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि आज कि मैं बयान नहीं कर पा रही। आज जैसे कि सर ने आपको बताया कि पढ़ना ज़रूरी क्यों है, उन्होंने आपको बताया कि ढोला की कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे चयन हुआ। ज़्यादा हिंदी मुझे भी नहीं आती है, मैं ज़्यादा जैसे आप लोग हिंदी में बात करते हैं, मैं ज़्यादातर इंग्लिश में बात करती हूँ। इंग्लिश समझते हैं ना थोड़ा बहुत, है ना। तो वैसे ही जर्मन लैंग्वेज भी होती है, जैसे अंग्रेजी है वैसे जर्मन, कौन सी जर्मन, वैसे ही जर्मन लैंग्वेज है। तो मैं वो पढ़ाती हूँ बच्चों को, मैं पढ़ाती भी हूँ, और जैसे बताया पुस्तकालय में, मैं वहाँ पे भी बैठती हूँ। जब कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है ना कि मुझे ये वाली ज्ञान चाहिए या ये इसके बारे में जानना है, ये किताब कहाँ रखी है, तो मैं हेल्प करती हूँ, मैं मदद करती हूँ। तो उस बात को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए बताना चाहती हूँ कि जब आप ये पढ़ रहे हो, ये तो चलो एक हो गई आर्मी, ये हो गया आपको, कल को चलो जाके आज आप पढ़ोगे तो कल को आपको जॉब मिलेगी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है पढ़ना। क्या जरूरी है? पढ़ना। क्योंकि आज जब हम पढ़ेंगे तभी हम अपना अपना कल सवार पाएंगे, क्या कर पाएंगे, सवार पाएंगे। तो वही बात, कल को अगर कोई दिक्कत आती है कि नहीं हो पाया, अभी इससे पहले हम एक जगह पे गए बच्चों से मिलने, तो मैंने देख, इन्होंने बताया, भोला ने बताया कि एक बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लेकिन उन्होंने फिर दोबारा कोशिश करी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये बहुत इसलिए बता रही हूँ कि कल को फिर दोबारा कोई दिक्कत आती है, कि कल को नहीं समझ में आता है कि मैं ये नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रहा, ये जॉब नहीं कर पा रही, या ये समझ में नहीं आ रहा, तो कभी हताश नहीं होना। क्या नहीं होना? हताश। और हमें क्या करना आगे जाके, फिर पढ़ना है, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो क्या हुआ, समझ नहीं आया अगर हमें, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। हम यहाँ पे इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे मिलने आई, मैं इसलिए मिलने आई कि माना कि हमारा स्कूल है, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये सब मिलजुल के काम किए जाते हैं। कभी मैं कंप्यूटर भी पढ़ाती हूँ, और भी बहुत सी चीजें हैं। जब कभी आप लोगों को लगे कि हाँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तब आप अपनी टीचर को बोल सकते हैं या दो, और आगे कभी लगे कि हाँ, कौन सा स्कूल बताया आपने सर,
सैनिक स्कूल जो एंट्रेंस एग्जाम कभी व्यर्थ नहीं की होती, आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों के साथ एक सही लीडर साथ में होगा, एक सही आदमी आपके साथ सही होगा पढ़ाई में, गुरु टीचर या आप ही खुद के साथी, आप सब लोग भी, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ उठना बैठना है, हम वैसे अपना हमारा व्यक्तित्व बनता है, समझे। तो अगर हम पढ़ें, मेरा मतलब आपको पढ़ने से है, ये सब बातों पे अगर ध्यान दोगे तो हम जिंदगी में बहुत अच्छा और बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। हम आपको एक उदाहरण भी देना चाहते हैं ये भोले के रूप में, यहाँ पे आज नहीं है तो क्या हुआ, आगे जाके हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। सोचेंगे वादा क्या करना है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में हमें जरूर सोच के रखना है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है। और अगर तब भी ना समझ आए, सबसे बढ़िया सी चीज क्या है, अपने टीचर से पूछो। क्या पूछो? टीचर से, वो आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है जी। सो नो क्वेश्चंस। पूछो मेरे से कोई सवाल, जो सवाल पूछे उसको मैं एक बिस्किट का पैकेट दूं। पूछो बचपन ना करने का, बता दो इच्छा, बता दो, बताओ पूछो। चलो कोई नहीं, मैम आप कहाँ तक पढ़ेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वैसे मुझे पहले भी आया, अब बोलना चाहिए था। मैंने करा है मास्टर्स, मास्टर्स मार्केटिंग, समझते हैं मार्केटिंग? ले बेटा, मार्केटिंग मतलब कोई भी चीज को हम बेचना, कैसे हम किसी चीज को बेचते हैं बाजार में, कंप्यूटर्स का, मोबाइल का। आप लोग सब लोग यूट्यूब देखते हो जी, देखते हो, वहां से पढ़ते हो जी। तो आजकल के बच्चे बच्चे भी इस बात को हम नकार नहीं सकते, हम इग्नोर नकार नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, गौर करना पड़ेगा उसको, गौर करना पड़ेगा कि आज के बच्चे की इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि जिसको अगर आपने सही तरीके से, इसके फायदे उपयोग भी बहुत अच्छे हैं, दुरुपयोग भी बहुत है, लेकिन ये आप पर है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो। और ये इतनी बड़ी चीज है कि अगर आपने उसको समझ लिया तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिखाने की। शासकीय नवीन माध्यमिक एकीकृत शाला कुराटा के बच्चों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ के स्टाफ से मिलकर भी स्कूल के बारे में तमाम जानकारी मिली और वहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। मैं इस स्कूल के प्राचार्य श्री गिरधारी सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके कारण हमें स्कूल के बच्चों और स्टाफ से मिलने का मौका मिला। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि मेरा चैनल मेजर जनरल ठाकुर, अगर इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो शिक्षा के बारे में जो भी वीडियोज़ में डालता हूँ आपको उन वीडियोस को देखने में आसानी रहेगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।